गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिद्धि हिंदी विद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अब यहाँ पे दसवीं वाले बच्चे, हमारा ये जो लेसन चल रहा है, इस लेसन के भीतर जैसे कि हमारा ये जो पाठ चल रहा है, करीबन पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत और इसके जो रचयिता है राम वृक्ष बेनीपुरी। अब ये जो बाल गोविंद भगत है उनका परिचय हमें देखा कि जैसे कि आगे के वीडियो में कि बाल गोविंद भगत की वेशभूषा कैसी है, वो मंचले कद के हैं, 60 साल से ऊपर की उनकी आयु है, कबीरपंथी टोपी उन्होंने धारण करके रखी है, कबीर के दोहे वो गाते हैं, किस प्रकार से वो सादगी भरा जीवन जीते हैं, गोरे चट्टे रंग के वो दिखते हैं, किस प्रकार से उनके जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है, कैसे वो मतलब उनकी लंबी सी दाढ़ी है लेकिन सिर के ऊपर कोई जटाजूट जैसा उन्होंने बांध के नहीं रखा है, और चेहरे के मतलब उनका चेहरे के ऊपर एक अलग प्रकार का तेज चमकता है जो हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे उनका एक बेटा और बहू है, उनको उनकी वेशभूषा को देख कर यह नहीं लगता कि जैसे कि वो कोई साधु संत हो गए, बल्कि उनका गृहस्थ है, खेती बाड़ी है, एक अच्छा सा मकान है, और उनके वो कबीर को अपना साहब मानते थे, उन्हीं के बताए हुए आदर्शों पर चलते थे, कबीर के साथ मतलब उनका बहुत गाढ़ संबंध यानी कि उनके दोहे के साथ था, हर रोज़ वो कबीर के दोहे गाते थे। इसी के साथ साथ यहाँ पे उन्होंने बताया कि लेखक ने कहा कि बाल गोविंद भगत की पत्नी के बारे में तो ना तो कभी उन्होंने मतलब उनको देखा है, ना कभी उनकी चर्चा वर्चा कभी हुई है, लेकिन यहाँ पे बाल गोविंद भगत को उन्होंने देखा तो उनके बारे में उन्होंने चर्चा की कि किसी की भी वस्तु को वो उठाते नहीं, बिना पूछे किसी से कोई चीज़ नहीं लेते, खामा खा का झगड़ा नहीं करते हैं, अपनी चीज़ें ही खुद व्यवहार में लाते हैं, किसी और की चीज़ों का इस्तेमाल कभी नहीं करते। ये सब कबीर के अपने मतलब कबीर के जो आदर्श हैं उसी आदर्शों के ऊपर बाल गोविंद भगत चलते हैं, तो उसी के बारे में है। अब यहाँ से बच्चों थोड़ा और आगे, अब तक की जो ये बात थी मैंने आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाया, अब यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गीत के गीत जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकल कर सजीव हो जाते। अब यहाँ पे बताया गया कि जैसे कि बाल गोविंद भगत हमेशा कबीर के गीत गाते रहते थे, तो ये कबीर के गीत जब वो गाते थे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि पूरा माहौल हकारात्मक बन गया है, प्रकृति भी जैसे कि सजीव हो गई, उसमें भी जान आ गई है, ऐसा किसे प्रतीत होता है सुनने वालों को। ये बाल गोविंद भगत जब भी कोई भी गीत गाते हैं, कबीर के कोई दोहे गाते हैं ज़्यादातर, तो ये सुनकर गाँव में रहने वाले लोग ऐसा लगता है जैसे प्रकृति में जान आ गई हो, वो हंसती हो, खिलखिलाती हो, मुस्कुराती हो, तो इस तरह से। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, असाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। अब यहाँ पे असाढ़ की रिमझिम की बात की गई है, और असाढ़ के समय यहाँ पे पूरा जो गांव है, ये पूरा गांव यहाँ पे खेत में आ गया है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, आसमान बादलों से धिरा है, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है, पुरवाई पुरवाई यानि पूरब से आने वाली हवाएं, ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग जाकर जनकार सी कर उठी, यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा, बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, उनकी उंगलियां एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेतों में बिठा रही हैं, उनका कंठ एक एक शब्दों के संगीत के जिन पर चढ़ाकर कुछ तो ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी के खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम रहे, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती है, हलवा होके पैर तले से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू,
अब यहाँ पे स्पष्ट इससे प्रतीत होता है कि बाल गोविंद भगत जो है, ये बाल गोविंद भगत किस प्रकार से अपने जीवन में कार्य करते थे। अब यहाँ पे उनकी स्थिति के बारे में बताया गया है कि जैसे कि ये जो बाल गोविंद भगत है, ये बाल गोविंद भगत यहाँ पे किस प्रकार से, जैसे कि आषाढ़ का मौसम है तो आषाढ़ के मौसम के वक्त, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे जैसे कि आषाढ़ का मौसम है तो आषाढ़ के मौसम के वक्त यहाँ पे आसमान की बात की गई है कि काले बादल छाए हुए हैं, पूरब से हवाएं चल रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं। बाल गोविंद भगत अपने खेत में हैं, आधे मतलब उनका आधे पैर तक का जो हिस्सा है, घुटने के बल तक का हिस्सा उनका, वो कीचड़ में सना हुआ है। आपने देखा होगा उदाहरण के तौर पर, जैसे कि बारिश के मौसम में जो चावल की फसल होती है, तो चावल की फसल के लिए खेत जो होता है उसमें थोड़ा सा पानी रखना पड़ता है, और फिर उसमें जो मजदूर होते हैं वो कीचड़ से सने हुए होकर उसमें एक एक पौधा उठाकर उसमें उस कीचड़ में लगाते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे बाल गोविंद भगत भी, ये आषाढ़ के समय रिमझिम सी थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी मंद मंद बारिश हो रही है, वो खेत में गए हुए हैं और खेत में मधुर गीत गुनगुना रहे हैं। उनके पूर्वा इसी मतलब ये पूर्व से हवा चल रही है। यहाँ पे लोग जो हैं, उनकी जो फसल है, जहाँ पे उनकी जो ज़मीन है, खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनके नज़दीक ही दूसरों की भी ज़मीन है, तो वहाँ पे भी कुछ एक औरतें मतलब यहाँ पे रोपाई कर रही है। बाल गोविंद भगत भी रोपाई कर रहे हैं, तो रोपनी कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाल गोविंद भगत जो गीत गा रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य ये है कि उनके गीतों की जो पंक्तियाँ अर्थात उनका जो मीठा स्वर है, उनको सुनकर ये कोई नहीं कह सकता कि कौन है और कौन गा रहा, क्योंकि सबको पता है कि ये बाल गोविंद भगत ही हैं जो इतना मधुर गाते हैं। जो औरतें होती हैं तो वो भी क्या, कुछ एक औरतें वो मेड़ के ऊपर यानी कि जो खेतीबाड़ी होती है वहाँ पे देखा होगा आपने, जैसे कि जो पाली जैसी बनाई हुई होती है वहाँ पे जाकर कुछ एक औरतें बैठ जाती हैं, जो बाल गोविंद भगत जिस प्रकार से गाते हैं तो उन्हीं की तरह गुनगुनाने लगते हैं। जैसे हम कोई गीत उदाहरण के तौर पे सुनते हैं तो उसमें तो बजता ही बजता है, लेकिन हम खुद गाने लगते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे भी बाल गोविंद भगत कोई दोहा गा रहे हैं, और उनकी जो पंक्तियाँ हैं वो ज़मीन पर रहने वाले लोग भी सुन रहे हैं, और कुछ एक आवाज़ जो है वो आसमान स्वर्ग में जा रही है। कहने का मतलब है आकाश की ओर भी वो ध्वनियां बढ़ रही हैं। और यहाँ पे कुछ एक औरतें जो खेत में रोपाई का काम कर रही है, एक एक पौधा जो लगा रही है, वो भी इतनी खुश है, खुशहाल है। बच्चे भी बारिश के मौसम में खेल रहे हैं, और बाल गोविंद भगत जिस प्रकार से गीत गा रहे हैं उसको सुनकर बच्चे भी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। तो यहाँ पे बाल गोविंद भगत जिस प्रकार से यहाँ पे संगीत गीत गाते हैं, तो उनका प्रकृति के ऊपर, उनके साथ साथ वहाँ पे आसपास जितने भी लोग हैं वो सारे संगीतमय हो जाते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि बादों की वो अंधेरी अधतरिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई है, बादलों की गरज बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादुल को टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपनी कोलाहल में डूबो नहीं सकती। कोलाहल यानि शोरगुल आवाज, उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। अब यहाँ पे बूदी में पीवा चमक उठे सखियाँ, चहुए उठे ना वह समझती है, वह अकेली है, चमक उठती है, चौक उठती है, फिरे उसे भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मत, कोंद उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता से सोया है, निस्तब्धता यानी कि बिल्कुल आवाज नहीं होना, स्तब्ध हो जाना, स्थिर हो जाना। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। अब यहाँ पे यहाँ तक का मैंने जो पढ़ा कि बादों की या अंधेरी अधतरिया,
तो यहाँ पे धीरे धीरे अब जैसे कि अषाढ़, अषाढ़ के बाद अब ये जो भादो आता है, तो भादो में अब क्या होता है, हर रोज के समय ये बाल गोविंद भगत गीत गाते हैं, तो भादो के मौसम में भी वो गीत गाते हैं। तो भादो के मौसम में भी जैसे कि वर्ष बारिश की अब धीमी मंद पड़ गई है, बारिश की मौसम अब धीरे 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 जैसे कि इस पृथ्वी से जाने का धीरे धीरे नाम ले रही है, उसी समय जैसे कि कभी कभी जैसे होता है ना कि जब बारिश जाने वाली होती है 2-3 महीने के बाद, तो उस समय क्या होता है कि अंत में ज़्यादा बिजली कड़कने लगती है, बादल मतलब गरजने लगते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार से आसमान में पूरा माहौल बन गया है, बिजली कड़क रही है, बादल बहुत शोरगुल मचा रहे हैं। अब यहाँ पे जब सुबह होती है, रात्रि के समय पूरा गांव सो जाता है, शांत स्थिर हो जाते हैं, सुबह उठते ही यहाँ पे बाल गोविंद भगत अपने दोहे गाना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कि ये एक स्थिरता है, ये जो शांति है, ये जो एकदम पूरा शांत माहौल हो गया है, निस्तब्धता हर जगह पे स्थापित हो गई, अब धीरे धीरे वो दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाल गोविंद भगत ने ये बादों के मौसम में बिजली की कड़कड़ाहट के साथ ये गाना शुरू कर दिया है, और जो गाना वो गा रहे हैं उनकी पंक्तियाँ तो जैसे ही लोगों के कानों में वो जैसे कि गोदी में पिहवा चमक उठे सखियाँ चहुके उठे ना, ये जैसे कि उनके कानों में ये शब्द सुनाई पड़ते हैं, वैसे ही लोगों की सुबह जैसे कि निंद्रा से जाग कर वो एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए उठ जाते हैं। और जब वो गाते हैं बाल गोविंद भगत, तो दोहे के साथ साथ आपने देखा होगा खंजरी जो बजती रहती है, तो बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि स्कूल में हम लोग जब प्रार्थना सम्मेलन होता है तो उस समय आपने देखा होगा कि खंजरी होती है जिसको हम बजाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे बाल गोविंद भगत भी मधुर सुर में ये दोहे गाते हैं और खंजरी बजाते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, लोगों को एक नई हकारात्मक सुबह सुबह सोच के साथ उठाते हैं, गांव की सारी निस्तब्धता उनके स्वरों के साथ गायब हो जाती है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे बाल गोविंद भगत का परिचय उन्होंने करवाया है, किन्होंने, राम वृक्ष बेनीपुरी ने। अब बच्चों यहाँ तक हम रुकते हैं, आगे वाले वीडियो में बाल गोविंद भगत के जीवन में कौन कौन से उतार चढ़ाव आते हैं उसकी हम चर्चा विस्तार से करेंगे। थैंक यू।